कांग्रेस से मैं इसी बात को पूछूं मैं अगर कि अगर वो बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं तो पूरे केंद्र के उनके घोषणा पत्र में ओपीएस का जिक्र क्यों नहीं है कि देश में लागू करेंगे। अब कहने के लिए कहेंगे कुछ भी कहते रहो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो आप सब इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, सारी चीज़ें चाहे वो धर्म की बातें हैं, चाहे वो समाज में सामंजस्य की बातें हैं, समरसता की बातें हैं, सब ठीक हैं। और जहाँ तक पी चिदम्बर जी कह रहे हैं कि कीड़ा के शिकार हैं, उनको सत्ता में रहने का एक लंबा वो हो गया था, वो आदत पड़ गई थी जिसको, वो आदत टूट गई है 10 वर्षों से। अभी मेरा कहने का मतलब है अभी तो मोदी जी को 10 वर्ष हुए, एक दशक के बाद एक दशक अभी और विराम करना पड़ेगा। हर जगह दिखता है, हर बात को लेकर के दिखता है, जो जिस तरह की उनने गारंटी दे करके उनने, क्योंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र का मतलब नहीं, हमने तो घोषणा पत्र जारी ही नहीं किया, हमको घोषणा पत्र नहीं कहा है, हमने संकल्प पत्र कहा है, विजन डॉक्यूमेंट, हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, हमने इस तरह से बात कही है। कांग्रेस ने गारंटी दी है, गारंटी ना पूरी तब वहाँ हुई, ना राजस्थान में पूरी हुई, ना छत्तीसगढ़ में पूरी हुई जहाँ से शुरुआत हुई थी, ना हिमाचल में पूरी होगी, ना देश में पूरी होगी। और कांग्रेस से मैं इसी बात को पूछूं मैं अगर कि अगर वो बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं तो पूरे केंद्र के उनके घोषणा पत्र में ओपीएस का जिक्र क्यों नहीं है कि देश में लागू करेंगे।